नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हाथरस कांड पर स्वर्ण समाज की बैठक हुई है। बैठक में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। पीड़िता के परिवार का जमकर विरोध किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। स्वर्ण समाज के ने आरोपी को निर्दोष बताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस कांड से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सवर्ण समाज के लोगों की ये बैठक, भारी संख्या में सवर्ण समाज के लोग इस बैठक में मौजूद हैं और आरोपी को निर्दोष बता रहे हैं। पीड़ित परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सवर्ण समाज के लोग और ये बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस कांड पर सवर्ण समाज बैठक कर रहा है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं इस बैठक में और आरोपी को निर्दोष बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव टुडे पर, जहां सवर्ण समाज की बैठक चल रही है। आरोपियों हमारे पास एक फैक्ट है, जो लड़की और लड़की के भाई ने 14 तारीख को प्रार्थना पत्र अपनी घटना का स्वयं जाकर थाने में दिया है। वह प्रार्थना पत्र अपने आप को यह दर्शाता है कि घटना बहुत छोटी सी थी और उसमें एक बच्चे के अलावा दूसरा कोई नहीं था। आपको दिखा रहे हैं सवर्ण समाज की बैठक। भारी संख्या में लोग बैठक में मौजूद हैं। हाथरस से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस कांड में आरोपियों को निर्दोष बता रहे हैं सवर्ण समाज के लोग। बैठक चल रही है इस वक्त। सूरज मौर्य हमारे सहयोगी हाथरस से इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ गए हमारे साथ। सूरज, ये जो पूरा मामला था वो दो खेमे में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सवर्ण समाज के लोग अब बैठक कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो निर्दोष हैं। जी बिल्कुल अदिति, ये आप जो है सवर्ण समाज के लोग एक बैठक कर रहे हैं जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद हैं। वहीं इस बैठक का जो नेतृत्व भारतीय पार्टी के राजवीर पहलवान जी हैं और वो इस आज जिन्होंने उनके आवास पर जो बैठक हो रही है, भारी संख्या में बैठक में लोग मौजूद है, सर्व समाज के लोग मौजूद है लगातार। वो इस बात का समाज के लोग मौजूद है, वो इस बात का कर रहे हैं कि जो जो आरोपिता के परिवार ने जिन वो निर्दोष हैं और उनको नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर वो बात करें तो उनके जो पुलिस पर भी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए कि बिना किसी जांच करे वहाँ मौजूद नहीं थे, घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। लगातार हम इस सारी खबर को अपडेट करा रहे हैं। लगातार आपको तस्वीर में दिख रहा होगा किस तरीके से भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और उस पीड़िता के परिवार का जमकर विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। लगातार उनकी मांग है कि जो जो अलग समुदाय जो लोग जो आरोपी है उनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत गिरफ्तारी की गई है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। और जो सही आरोपी गिरफ्तारी की गई है उनकी रिहाई होनी चाहिए और जो सही आरोपी है उनके खबर होनी चाहिए। वो एक जो रवि जो जिस किसी वजह से ये पूरा समाज एक साथ इकट्ठा हो गया, यानी कि ये जो घटना है पूरी दो उसमें बट गई है कि ना एक तरफ तो पीड़िता के पक्ष के लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो सर्वर समाज के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार प्रदर्शन किया जाएगा, ये उनका कहना है कि अगर उनकी रिहाई नहीं होती है तो लगातार प्रदर्शन करेगा, सर्वा समाज सड़क पर उतरेगा। इसमें पूरी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ ना कुछ अंश जो है इसमें शामिल है, लगातार विरोध कर रहा है। ये मानिए कि विपक्ष जो है वो पीड़िता के साथ है और जो पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो इस समय आरोपियों के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। बहुत बड़ा जो मामला जो सामने निकल कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि दो पक्ष आमने सामने आ गए। ये कहिए कि दो चैनल एक ही चैनल में अलग अलग समय या ये कहिए कि ठाकुर समाज और हो गए और उनका यही आरोप है कि जो पीड़िता है उसके परिवार के लोगों ने उनके जो लड़के हैं जो युवक हैं उनको गलत फंसाया है, वो निर्दोष है, जबकि
देना, वही पीड़ित का परिवार बार बार अपने की न्याय की मांग कर रहा है, लगातार कह रहा है कि जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लापरवाह अधिकारी है। जैसे जिला अधिकारी की अगर बात करें तो लगातार वो जिला अधिकारी पर आरोप पे आरोप लगा रहा है और एसआईटी टीम वहाँ मौके पर मौजूद है, लगातार वो पूछताछ कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में जो नवागत व्यक्ति है विनीत जायसवाल, उन्होंने भी आज पहली बार जो है ना जब से जिले में तैनाती है पहली बार घटना स्थल का निरीक्षण भी किया, मौके पर पहुंचे पूछताछ भी कर रहे हैं जी। लेकिन सूरज क्या ये नहीं लगता कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया और शायद यही वजह है कि एक और जहां विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रहा है, वहीं अब तमाम लोग जो है धरने पर बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आरोपी जो है वो निर्दोष है, काम तो कानून व्यवस्था का है, उसको करने दिया जाए। सूरज बिल्कुल, कानून व्यवस्था नाम की चीज तो यहाँ पहले दिन से ही ध्वस्त थी, क्योंकि अगर पहले दिन से ही तो अगर कानून व्यवस्था पूरी तरह अपनी कायम रहती तो शायद ये पूरी इतनी बड़ी घटना जो है वो सामने नहीं आती, जिसने पूरा देश को हिला के रख दिया। लगातार जो है टीवी चैनलों पर जो पूरी घटना चल रही है, लगातार लोग पूरे देश के लोग इस पूरी घटना पे दे रहे हैं और लगातार जगह जगह धरना। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली बात ही सामने आ रही है। दूसरा पक्ष जो है ना आरोपियों के साथ खड़ा वो भी कानून व्यवस्था को गलत ठहरा रहा है, जो पीड़ित पक्ष है वो भी कानून व्यवस्था को गलत ठहरा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है बिल्कुल, और यहाँ योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खुद की भारतीय जनता पार्टी के लोग योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो आरोपी है वो सरकार में गलत गए, उनके खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है और उनको निर्दोषों को रिहाई होना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज।